अब मैं आपको एक और सोर्स के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपने बैकग्राउंड इमेज सेट की थी उसको फुल स्क्रीन पे कैसे एडजस्ट करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सोर्सेस में जाके एक इमेज सेलेक्ट करनी है जो आपके सिस्टम में होनी चाहिए। आप उस सिस्टम से अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे, जो स्टैटिक इमेज आपने लगाई थी, बैकग्राउंड इमेज जिसे हम कहते थे। अभी तो ये फुल स्क्रीन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अगर नहीं होता है, मान लीजिए इस तरीके से इमेज आ रही है, तो आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अगर अगर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, इमेज आपकी कट रही है, तो आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद कहाँ जाना है, ट्रांसफॉर्म। क्या करना है, इमेज पर राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म पे जाना है। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद स्ट्रेच टू स्क्रीन कहाँ क्लिक करना है, स्ट्रेच टू स्क्रीन पे क्लिक करना है। तो ये ऑटोमेटिकली देखिए इमेज कहाँ हो गई, पूरी फुल स्क्रीन पे एडजस्ट हो गई। इस तरीके से आप जो बैकग्राउंड इमेज है उसे सेट कर सकते हैं। अब हम एक नए सोर्स की बात करते हैं। इसके लिए आपको फिर से प्लस बटन पे क्लिक करना है और इमेज के पर हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। इमेज पर हम कुछ ऑटोमेटिकली टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो उस टेक्स्ट के लिखने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस बटन पे जाके टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आपको एक टेक्स्ट का बॉक्स दिखेगा, टेक्स्ट इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उस टेक्स्ट बॉक्स में आपको लिखना है, जैसे कि मैं लिखना चाह रहा हूँ, आईसीटी मूक्स इन हिंदी, आईसीटी मूक्स इन हिंदी मैंने लिखा। अब यहां पर देखिए टेक्स्ट तो लिख गया, राइट कर लिया आपने। अब आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, तो क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग करने के लिए आपने सेलेक्ट फॉन्ट किया। यहां पर फॉन्ट के कई सारे टाइप्स हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। डिफॉल्टली ये एरियल सेलेक्ट था, मैंने इसे, हम फॉन्ट का स्टाइल बदलना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, रेगुलर चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक चाहते हैं, तो हम बोल्ड इटैलिक पे क्लिक करते हैं और इसका साइज भी बदल सकते हैं। यहाँ से हम इसके साइज को बदलते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं और ओके क्लिक कर देते हैं। अब आप देखिए कि आईसीटी मूक्स हिंदी में जो आपने फॉर्मेटिंग की थी वो आपको अपने फॉन्ट पे दिख रही है। थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आप इसके कलर को भी बदल सकते हैं। इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। इसका कलर हमने चेंज किया, मान लीजिए ये सिलेक्ट किया, ये कलर हमने चेंज कर दिया। कुछ भी कलर ले सकते हैं। अनदर कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एक दूसरा कलर हमने सिलेक्ट कर लिया, इस फॉर्मेट में आ गया। आप इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, इसका वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, आप इसे आउटलाइन भी दे सकते हैं। देखिए आपके फॉन्ट में आउटलाइन भी आ गई। अभी देखिए आपकी इमेज के ऊपर ये फॉन्ट जो आपने लिखा था वो दिख रहा है। आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, इसका साइज बढ़ा सकते हैं। आप इसको जहां एडजस्ट करना चाहें वहां एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे सेंटर में एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे सेंटर में एडजस्ट कर दिया। अब हम इसके साथ और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस टेक्स्ट की हम इफेक्ट दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक में करने के बाद हम इसमें जाएंगे, फिल्टर्स में चले जाएंगे। फिल्टर्स में देखिए इफेक्ट में के प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, हम स्क्रॉल पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल पे क्लिक करने के बाद हम ओके प्रेस करेंगे। अब आप करना चाहते हैं, स्क्रॉल का मतलब क्या है कि आप इस टेक्स्ट को रनिंग टेक्स्ट बनाना चाहते हैं। रनिंग टेक्स्ट बनाने का मतलब है कि आप इसकी स्पीड को, आप इसको लेफ्ट टू राइट रन कराना चाहते हैं, राइट टू लेफ्ट रन कराना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, पहले ये देखिए ये स्पीड 0 पे सेट थी, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 0 पे सेट थी तो ये रनिंग नहीं था। आप इसको आप बैकवर्ड फॉरवर्ड जैसे मूव कराना चाहते हैं वैसे इसकी स्पीड को सेट कर दीजिए, ये मूव करता रहेगा। आप इसको वर्टिकली, इसके हॉरिजेंटली के साथ साथ वर्टिकली भी मूव करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपका हॉरिजेंटली विद वर्टिकली, ये दोनों तरीके से आपका टेक्स्ट मूव कर रहा है। इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट में इफेक्ट भी डाल सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड की इमेज है इसमें भी इफेक्ट आ जाए, तो आप क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। आपको करना है, इमेज को सेलेक्ट करना है। क्या करना है, सबसे पहले इमेज को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, देन फिल्टर फिल्टर क्लिक करना है। फिल्टर क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, प्लस साइन करेंगे, देन अगेन स्क्रॉल पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल
ओके करेंगे और फिर से आप सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि आप जो भी इसको स्पीड देना चाहते हैं वो यहां से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और आप इसे क्लोज कर सकते हैं। अब देखिए आपकी इमेज भी मूव हो रही है और आपका फॉन्ट भी जो आपने टेक्स्ट ऐड किया था वो भी मूव हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करने में अपने जो आपने स्टैटिक इमेज लगाई है या टेक्स्ट ऐड किया है उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं और अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करके स्टॉप रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड कर सकते हैं और फाइल में जाके शो रिकॉर्डिंग के जरिए आप इसे देख सकते हैं।